पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जैकेट ही ऐसी ऐसे करके आ जाती, वैसे मैं पतला हूँ। अच्छा अर्चना जी, कुछ लोगों का फिक्स होता है गर्मी की छुट्टियां मतलब नानी का घर है ना, नानी के साथ तो चलो प्यार है, फंसता है मामा, मामा का बैंड बज जाता है, उसकी सारी बहनें और भांजे इकट्ठा होके आ जाते हैं, फिर मामा फिर भड़का होता है, उसका फिर सारा टाइम ना कूलर में पानी भरने में जाता है, साथ में पानी भर रहा था, साथ में अपने बाप को बोल रहा था, बाबू ओ बाबू जी, जब मैं और बड़ी दीदी हो गए थे तो ये तीन और पैदा करने की क्या जरूरत थी, अभी ये तीनों अपने अपने तीनों लेके आ गई हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा आजकल लोग कहीं घूमने जाते ना, आजकल वो बड़ा सिस्टम हो गया ना कि आप नेट पे जाके रेटिंग दो, आप कैसा लगा आपको होटल, चलो होटलों के लिए तो फिर भी सही है, कुछ लोग इतने लुखे होते हैं ना ताजमहल को रेटिंग दे रहे होते हैं कि 3.2 हमें इतना अच्छा नहीं लगा। अच्छा ये जो रेटिंग दे रहे होते हैं ना, इनके घर का बाथरूम देख लो, अपनी टूटी में जुराब फसा रखी होती है इन्होंने, ताजमहल को रेटिंग दे रहे हैं। अच्छा अंग्रेज इंडिया आते हैं ताजमहल के साथ फोटो खिंचाते हैं, अपने लोग ताजमहल जाते हैं फिर भी अंग्रेजों के साथ ही फोटो खिंचाते हैं, तो अंग्रेज के साथ खड़े हो गई हूँ। अच्छा अंग्रेज लोग कहीं बाहर जाते हैं ना, उनके दो तीन चीजें फिक्स होती है, डोंट फॉरगेट टू कैरी योर पासपोर्ट योर लाइसेंस, उनकी शॉपिंग अलग होती है, बुक खरीद रहे होते हैं, बुक पढ़ लेंगे रास्ते में, हमारे लोगों की शॉपिंग अलग होती है। अच्छा मासी जी के लिए उल्टी वाली गोली ले ली, मुन्ने के दो तीन डायपर अलग से ले लेना, इनकी शॉपिंग अलग होती है। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में भले 2 बजे रात को सोएं, हाँ। लेकिन जैसे ये ट्रेन में सफर करते हैं ना, तो अपनी बर्थ पे 9 बजे चादर बिछानी शुरू कर देते हैं, नींद नहीं आ रही होती इनको, ये होता है कि कोई ना आके बैठ जाए, लेकिन मेरे जैसे कई ढीठ होते हैं फिर भी, और बिल्कुल कॉर्नर सी इतनी सी नुक्कर बनी होती ना वो जो, हाँ। उसी पे आके अपना ये तशरीफ टिका देते हैं। अच्छा फिर जो आदमी सो रहा है उसने शॉल ली हुई ना, वो फिर धीरे धीरे अपने पैर का अंगूठा निकालता है, उसके पिछवाड़े पे ड्रिल करना शुरू करता है। तो अभी क्या करें, उठता नहीं, वो भी ढीठ होता है, थोड़ी थोड़ी चुभन तो होती है उसको, फिर शॉल वाला धीरे धीरे बात शुरू करता है, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप, वो कहता है मैं तो अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगा, आपका अंगूठा देखो कहाँ जा रहा है। अच्छा जब कोई चिप्स बेचने वाला आता है ना ट्रेन में, तब तो इतना दिल नहीं करता, जब आता ना वो दाल लेके आता ना, उसके बाद में उसके काट के प्याज डालता, नींबू प्याज, उसका नींबू निचोड़ के ऐसे ऐसे करता ना, दो लोग ले रहे होते 4 के मुंह में पानी आ रहा, तो वैसे ही देख रहे होते ना छाबड़े वाले को, आपके मुंह पानी आ रहा, और छाबड़े वाले को यूं देख रहे होते हैं। अच्छा वो भी ठीक है, एक आता मूली वाला, जो मूली को ऐसे बीच में काट के ना, एक मूली ऐसी उसको काट के ऐसे चार नहीं बन जाती, फूल सा बन जाता है कि चटनी लगा के। अच्छा सपोज दिल्ली से ट्रेन जा रही है मुंबई, या मुंबई से दिल्ली तक ट्रेन जा रही है, अहमदाबाद तक तो चले गए, अहमदाबाद में मूली बिकनी शुरू हुई, तो मूली खा ली, ग्वालियर तक टाइम ठीक है, तो मूली जो होती है असर दिखाना शुरू करती है ग्वालियर के बाद। तो ये जो मुंबई से अहमदाबाद तक रिलेशन बने होते हैं ना, ये बिगड़ते हैं ग्वालियर से जाके निजामुद्दीन तक, फिर तो कुछ लोग तो ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं ना कि एसी कोच की खिड़की खोलनी पड़ जाती। अच्छा कुछ लोग होते हैं जो शहर के आसपास ही होते हैं ना, कि शहर से 200 किलोमीटर दूर है कुछ, ना तो ये बस में जाते हैं ना ये ट्रेन में जाते हैं, ये अपनी बाइक पे निकल जाते हैं, 3-4 घंटे बाइक पे बैठे, इनका पिछवाड़ा अकड़ जाता है पूरा, वो पोर्शन इतना अकड़ जाता है, फिर जब उतरते हैं ना ससुराल में जाके, लोगों को लगता है जीजा में अकड़ बड़ी है, तो वो उनको क्या पता कैसे आया, तो वो आदमी बेचारा बाइक पे बैठे बैठे अकड़ा होता है। अच्छा ऐसा ही सेम हाल होता है जब शादियों की बसें जाती ना, हाँ। बारात जाती जब, हाँ। एक शहर से दूसरे शहर 3-4 घंटे का होता है, तब बड़ी प्रॉब्लम होती है, तब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना खा पी के चढ़े, कहीं दारू पी के चढ़े, ताऊ किट डालते हैं, थोड़ा बस रोकना ताऊ जी को, कहीं हल्की होना है, ताऊ का बहाना होता है, धीरे धीरे ना सारे रिश्तेदार उठ के जंगल की तरफ मुंह करके लगे होते हैं, और कुछ बच्चे बड़े शरारती होते हैं,
चूहे के बिल पे निशाना बना रहे होते हैं। चूहे भी गालियां दे रहे होते हैं, चूहे गालियां दे रहे होते हैं, कमबख्त तेरा बेड़ा गर्क, जो तेरा बाथरूम है हमारा बेडरूम है वो होता है। अच्छा कभी कभी ऐसे हस्बैंड वाइफ साथ में जाए ना तो लगे ज्यादा, अरे पति बड़ा भड़कता है, ये लेने की क्या जरूरत थी, कम नहीं कर सकती, वाटर कूलर लेने की क्या जरूरत थी, वाटर कूलर अपने दो सूटकेस लेके चलता है। लेकिन जब बीवी अकेली जा रही हो तो ध्यान रखता है कुछ छूट ना जाए, याद दिलाता है बार बार, भाई देख लो महीने के लिए जा रही हो कुछ रह ना जाए। उसको यही होता है कि 28 दिन में वापस ना आ जाए कहीं। अच्छा कुछ लोग ना सुलभ शौचालय में भी पैसा बचा लेते हैं, जैसे अपना ये दिनेश नहीं, हाँ, इसको पता चला कि सुलभ शौचालय में बच्चे के पैसे नहीं लगते तो ये साथ में बच्चा ले गया, बाद में बच्चे को साइड पे खड़ा करके खुद लगा हुआ। अच्छा बाहर से कोई आवाज सुन रहा था, वो हैरान कि है तो बच्चा, टंकी इतनी बड़ी है। अच्छा आप लोगों में भी बहुत सारे लोग जब ट्रैवल करते होंगे या कोई ट्रैवल करके आपके घर आता है, आपको भी तो परेशानियां होती होंगी, कोई शेयर करना चाहता है तो खुला स्वागत है आपका। जी भाई साहब। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम सागर चोटलिया। किसने पूछा? मैं बताया। अच्छा सागर, हाँ। तो जी हाँ क्यों बोला आपने पहले? हाँ। जी हाँ दोस्तों। यस जी हाँ दोस्तों। जी हाँ मैं हूँ खलनायक। कहाँ से आए आप ब्रदर? बोरीवली। बोरीवली? बोरीवली से? यस। अच्छा जी कपिल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं अहमदाबाद ट्रैवल कर रहा था काइट्स फेस्टिवल के दरमियान, तो बस में मुझे एक लड़की दिखी और लड़की को मैं। अच्छा और लड़की को मैं? अहमदाबाद जा रहे थे। हाँ। अच्छा जी। और वो लड़की रूबरू मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जैसे दिख रही थी। अच्छा। काफी मजा आया मुझे उससे देख के, तो देखते ही देखते उसने मुझे एक बोला कि मैं आपसे एक बात पूछूं। हाँ। मैं बोला ये भी कोई पूछने की बात है पगली। वाह। तो फिर नॉर्मली फिर उसने मुझे बोला कि मैं नहीं हूँ अहमदाबाद में, तो आप मुझे गाइड कर पाओगे? अच्छा। बोला क्यों नहीं, मैं यही चाहता था। तो फिर मैंने उसको बोला कि अहमदाबाद में एक माणिक चौक है, रिवर फ्रंट है और मैं हूँ, हम लोग साथ में घूम सकते हैं। अच्छा। तो ऐसे ही नॉर्मली बात करते करते, मेरा थोड़ा फ्रेंकली नेचर है तो बात करते करते, अच्छा। सब मेरे दोस्त लोग उतर गए और मैं बस में आगे चला गया। फिर 3 किलोमीटर के बाद पता चला कि अहमदाबाद चला गया और मैं रह गया वहां पे। अच्छा। तभी पता चला लड़की अलग जगह और डेस्टिनेशन अलग जगह, दोनों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा सागर कितनी प्यारी बातें करते हो आप। Yes, कहाँ क्या करते क्या हो आप? सर स्टॉक मार्केट में हूँ। अच्छा। यस सर। तो कितनी उम्र क्या है आपकी? 25। Yes, बड़ी जल्दी मैच्योर हो गए तुम। यस सर। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त? जी तुम्हारे साथ क्या चीटिंग हो गई? नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। सर मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा जी। और एक बार मेरे चाचा के लड़के हमारे घर पे आए हुए थे घूमने के लिए। अच्छा। तो उनको दिल्ली घूमने जाना था, लाल किला वगैरह, तो वो मेरे से बोले कि भाई तू अपनी बाइक दे दे, मुझे घूमने जाना है। मैं ठीक है भाई आप मेरी बाइक लेके जाओ। अच्छा। तो मैंने बाइक दे दी, फिर उसके बाद वो बोले कि भाई मेरे को शूज भी दे दे, मेरे थोड़े गंदे हो रहे हैं। अच्छा। मेरे फेवरेट शूज थे, मैंने घर से नंगे आए थे सारी चीजें आप ही से मांग रहे थे? नहीं सर वो अपने शूज लेके आए थे लेकिन उनके थोड़े गंदे हो रहे थे। अच्छा। तो वो मेरे से बोले कि भाई तू दे दे, मैं ठीक है दे देता हूँ। मैंने दे दिए, फिर वो बोले कि भाई मेरा मोबाइल छोटा है, कैमरा ठीक नहीं है, मुझे फोटो वगैरह लेने हैं, तो तू अपना मोबाइल दे दे। अच्छा। मैंने न्यू मोबाइल लिया था सर। अच्छा। तो मैंने बोला कि भैया सॉरी मोबाइल तो मैं नहीं दे सकता। तो वो पापा के पास गए मेरे और पापा से बोला कि उससे बोलो कि मोबाइल दे दे। मैंने मेरा मन नहीं था, मैंने फिर भी उनको मोबाइल दे दिया पापा ने बोला। तो अब वो घूमने के लिए गए, जाते वक्त तो उन्होंने मेरी बाइक का चालान कटवा दिया सर। अच्छा। जी। और वहां से घूम के वापस आ रहे थे तो उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, उसमें उनको भी थोड़ी चोट आई। अच्छा। सर चोट उनको आई थी, दर्द मुझे हुआ था। बाइक की वजह से ना? जी सर, बाइक का हेड था वो पूरा, हेड लाइट वगैरह सब टूट गया। हाँ। और जो मेरे शूज थे आगे से वो भी थोड़ा सा खराब हो गए, फट गए। और सर सबसे मेन पॉइंट जो मेरा मोबाइल था उसका डिस्प्ले टच सब कुछ वो खराब हो गया सर। फिर एक्सीडेंट उनका हुआ लेकिन दुख मेरे को बहुत हुआ। दिल्ली के रहने वाले हो आप? जी। इधर रहते हो अभी? यहाँ पे घूमने आया हूँ तो फ्रेंड लोग के पास रह रहा हूँ। अच्छा। कितने दिनों के बॉम्बे में आए हुए आपको? 10-12 दिन सर। 10-12 जाओ अभी। सर आज जाओ। अभी ये प्रॉब्लम बता रहे हैं, मेरे चाचा लड़के ने ये किया, खुद भी तो करते होगे कुछ ना कुछ किसी घर में जाके। नहीं सर वैसे तो मैं कहीं जाता नहीं हूँ। मामा आए हो 10-12 दिन तो हो गए। किनके फ्रेंड्स के यहाँ रुके, वो तो फ्रेंड ही बता पाएगा ना, वो आया साथ में।
नहीं मैं अभी अच्छा, अकेला हूं। वो भी किसी दूसरे शो में जाके बता रहा होगा, एक फ्रेंड है जी मेरा, 12 दिन से आया जा ही नहीं रहा है। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका, घूमो फिरो मुंबई, एंजॉय करो, शुक्रिया, धन्यवाद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।